दोस्तों आपको जी टीवी देखना है, आपको दोस्तों अगर देखना है स्टार प्लस, और दोस्तों अगर आपको देखना है स्क्रैम्बल HD वाले टीवी चैनल, तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं लेके आया हूं एक ऐसा सेटअप बॉक्स जिसका नाम है दोस्तों चिंगारी सेटअप बॉक्स। जी हां दोस्तों, चिंगारी कंपनी का मैजिक बॉक्स आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, जहां पे दोस्तों सभी के सभी HD टीवी चैनल बिल्कुल मुफ्त में चलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी स्क्रैम्बल चैनल हैं वो आपको देखने को दोस्तों मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। दोस्तों एक एक चैनल मैंने यहां पे दिखा दिया, लेकिन दोस्तों आगे इसी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं अपने लाजवाब सेटअप बॉक्स की। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ फिर एक जबरदस्त बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, चिंगारी सेटअप बॉक्स का SSC मैजिक बॉक्स। दोस्तों आज जो बॉक्स है, पिछली बार जो SSC का बॉक्स दिखाया था उससे डिफरेंट ये बॉक्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस बॉक्स में क्या खास है, इसकी पूरी डिटेल आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। वैसे शुरुआत में बता ही दिया कि इसमें HD चैनल चलते हैं, लेकिन दोस्तों किस तरह से इसमें HD चैनल और किस प्रकार का ये बॉक्स है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको ये फायदा करेगा, तभी आप इसे खरीदेंगे। तो दोस्तों SSC का यहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, MPEG-4 विथ डबल USB आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों HD-4 के अल्ट्रा HD रिसीवर ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे DBB डिजिटल सेटअप बॉक्स। वहीं पे दोस्तों डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों फ्री टू एयर और डिजिटल सेटअप बॉक्स, उसके बाद OST मल्टी लैंग्वेज आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, डिजिटल सेटअप बॉक्स और डिस्क्यू स्विच 1.2 का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे दोस्तों आप 16 एंटीना तक आप लगा सकते हैं और उसके टीवी चैनल्स को देख सकते हैं अलग अलग सैटेलाइटों पे। तो दोस्तों यहाँ पे फ्री टू एयर ब्रॉडकास्टिंग चैनल आपको FTA देखने को यहाँ पे मिल जाता है, FM की सुविधा मिल जाती है। बाकी दोस्तों बॉक्स पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन दोस्तों फटाफट हम आप लोगों को अपना जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, उसे हम दिखा दें। तो दोस्तों सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिमोट और ये बॉक्स, बॉक्स की जो बॉडी है ब्लैक कलर में है, और ये रिमोट जो दोस्तों देख रहे हैं ये रिमोट भी दोस्तों बहुत ही गजब है। तो दोस्तों यहाँ पे रिमोट पे मैं यहाँ से पास, तो दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार से ये सेटअप बॉक्स जाता है, ये कटा पिटा, तो आप ये समझ जाना कि हमारे वहाँ से इसे चेक करके आपके पास भेजा गया है। तो दोस्तों रिमोट को सबसे पहले, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रिमोट है, रिमोट की क्वालिटी दोस्तों ज़बरदस्त है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं 4-in-1 स्काई मीडिया टाइम शिफ्ट बेस्टॉन एंड टिपलेट, यानी कि ये रिमोट मल्टी रिमोट है और ये रिमोट सभी सेटअप बॉक्सों में काम करता है। तो दोस्तों इस रिमोट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। वहीं पे दोस्तों हम बात करें इसके बैक साइड में, यहाँ पे दोस्तों पेंसिल सेल जो हर एक रिमोट में लगते हैं इसमें भी लगता है। तो दोस्तों इस रिमोट को हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। वहीं पे दोस्तों एडाप्टर की बात करें, एडाप्टर दोस्तों बहुत ही बड़ा इसमें दिया जाता है। एडाप्टर आपको देख सकते हैं 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों है मेक इन इंडिया का और ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है भी, देखिए पूरे हाथ में आ जा रहा है ये। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे दो पिनें दी जाती हैं कि अगर मान लो कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपके पास ऐसा हो पतली पिन का, तो आप उसमें लगा सकते हैं, और इधर मोटी पिन ये सेटअप बॉक्स के लिए है। दोस्तों इसकी वायर की लंबाई 2 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास में होगी। तो दोस्तों इसे भी हम साइड में रख देते हैं। बात करते हैं दोस्तों ऑडियो वीडियो लीड की। ऑडियो वीडियो लीड दोस्तों इसमें पैनासोनिक का आपको ऑडियो वीडियो लीड मिल जाता है, जो कि दोस्तों गोल्ड प्लेटेड आपको यहाँ पे ऑडियो वीडियो लीड मिलती है अच्छी क्वालिटी में। तो दोस्तों इसे भी साइड में रख देते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन कंटेंट, जो अपना मेन कंटेंट है वहाँ पे। तो दोस्तों मेन कंटेंट अपना ये है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को दोस्तों यहाँ से हम ओपन करते हैं। ये देख सकते हैं ये बॉक्स हमारा ओपन हो गया, एक कार्ड मिलता है दोस्तों SSC की तरफ से, और दोस्तों ये इसके पीछे वारंटी वगैरह लिखी जाती है, तो इसे साइड में रखते हैं। अब दोस्तों ये बॉक्स तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे USB का जैक मिल जाता है, यहाँ पे दोस्तों वॉल्यूम प्लस माइनस, उसके बाद से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेनू का ऑप्शन है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे आपको वाईफाई फुल HD और यहाँ पे यूट्यूब और HD 2027 इसका जो मॉडल नंबर है ये है। तो दोस्तों बॉक्स तो बहुत बढ़िया है। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे SSC की लोगो मिल जाएगी, MPEG-4 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा,
लिखा फुल HD 1080 वाईफाई यूट्यूब PVR और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, तमाम एप्स की यहाँ पे फ़ोटो दी गई है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया इस बॉक्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे सिम लगाने का भी एक स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी गारंटी वारंटी नहीं लेंगे कि इसमें सिम लगेगा भी या नहीं लगेगा। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे गारंटी सील वारंटी सील आपको देखने को मिल जाती है, जो कि और लोकल बॉक्सों में नहीं होता है और इस बॉक्स में है दोस्तों, तो ये बढ़िया बॉक्स है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीछे आपको इसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे LNB इन USB और HDMI ऑडियो वीडियो पावर का और पावर बटन्स आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एक अच्छा क्वालिटी का बॉक्स है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अब ये बॉक्स तो आप लोगों ने देख लिया दोनों साइड से, इसके पास इस पे लगा हुआ गारंटी सील। अब दोस्तों हम इस बॉक्स में पिन पावर पिन लगाएंगे और आप लोगों को इसके इंटरफेस को दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्विच बंद किया है, अब ऑन करता हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों कितना फर्स्ट क्लास कितना लाजवाब दोस्तों लाइटिंग के साथ दोस्तों ये ऑन हो चुका है। और जब आप इसे रख देंगे या लगाएंगे दोस्तों काफ़ी खूबसूरत ये बॉक्स लगने वाला है दोस्तों, और मेरी समझ से दोस्तों ये बॉक्स बहुत ही बढ़िया बहुत ही गजब है। इसमें कम से कम दोस्तों 10,000 से ज़्यादा टीवी चैनल आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और ये बॉक्स दोस्तों काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक बॉडी में है, इसका मेटल बॉडी में भी आता है, वो भी बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। और बाकी दोस्तों इसकी जितने भी मॉडल हैं इस कंपनी के सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, आपको जितने बॉक्स चाहिए इस मॉडल के वो सारे के सारे दोस्तों आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अब दोस्तों अधिक जानकारी के लिए यानी कि इसकी सेटिंग्स के लिए, इसकी सीक्रेट सेटिंग के लिए आप आगे की वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जब हम रिमोट से इसके मीनू बटन को दबाते हैं तो यहाँ पे एंटीना सेटअप आ जाता है दोस्तों, एंटीना सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों मोटर सेटिंग, सैटेलाइट लिस्ट, TP लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों सैटेलाइट लिस्ट में आपको बहुत सारी सैटेलाइटों की डिटेल आपको देखने को मिलती है। 84 सैटेलाइटों की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस सेटअप बॉक्स में। वहीं पे दोस्तों यूटिलिटी में यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन है, फॉर फैक्ट्री रीसेट आपको नहीं करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड आपको नहीं करना है, अपग्रेड बाय नेट आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे है कि आप यहाँ पे पेन ड्राइव लगा के वीडियो देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और अपनी फोटोज को देख सकते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। वहीं पे दोस्तों आपको नेटवर्क में मिल जाता है वेदर, वेदर में दोस्तों आपके एरिए का तापमान टेम्परेचर आपको दिखाता है। वहीं पे दोस्तों यूट्यूब की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब भी चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है दोस्तों। यूट्यूब के लिए दोस्तों सिंपल सी सेटिंग होती है, उस सेटिंग को करने के बाद दोस्तों आपको चला लेंगे इस यूट्यूब को। पांडा सर्विस दोस्तों इस सेटअप बॉक्स में एक ज़बरदस्त सर्विस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों लोकल IPTV आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप बहुत सारी IPTV के जो प्रोग्राम होते हैं लीगल और अनलीगल जो भी हो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास उसकी फाइल है। अब दोस्तों यहीं पे आपको एक नंबर डालना होता है, नंबर है दोस्तों 6603। दाते ही दोस्तों आपको यहाँ पे बिस्की का ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ पे पहले से एड बहुत सारी बिस्की आपको देखने को मिल जाती हैं अलग अलग सैटेलाइटों की। वहीं पे दोस्तों EMU आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे पावर व्यू का भी जो ऑप्शन होता है वो सारी डिटेल आपको EMU सर्विस में यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लगभग बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। CC कैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों न्यू कैम और मैजिक कैम आपको देखने को मिल जाता है, WX कैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को इस नेटवर्क सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जब आप नंबर डालते हो। बात करें दोस्तों टीवी चैनल्स की, और ये ऑप्शन मैंने आपको दिखाया नहीं तो इसे दिखा देते हैं। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो इस सेटअप बॉक्स को बड़े आराम से। लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। टाइमर सेटिंग की बात करें, टाइमर सेटिंग मिल जाता है, टाइमर सेटिंग आपको एक दूसरा भी मिल जाता है, वो ऊपर टाइम सेटिंग था नीचे टाइमर सेटिंग। और भी ए भी सेटिंग में आपको यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको आप जब सेटअप बॉक्स आपके पास पहुँचे तो आप 1080 60 हर्ट्ज पे आपको सेटअप बॉक्स को रखना है,
4.3 इसे रखना है, ऑटो रखना है, एक्सेप्ट रेडियो, ग्लोबल आपको वैल्यू में स्कोप रखना है और एक AC3 डिकोड, यानी कि आपके सेटअप बॉक्स में वॉइस जो है आराम से आ जाएगी HD चैनलों की। वहीं पे दोस्तों ऑडियो वाला ये ऑप्शन ऑफ रखना है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। लॉक कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। OSD सेटिंग में आप यहाँ पे इसका टेम्परेचर आप हाई लो और हाई कर सकते हैं। बात करें दोस्तों कलर सेटिंग की, कलर सेटिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन कलर सेटिंग आप ऐसे ही रहने दें। चैनल्स में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब बैक करेंगे हमारे पास बहुत सारे टीवी चैनल, पेड टीवी चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे इन चैनलों के लिए आपकी नेटवर्क की जो स्पीड है वो हाई होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो डाटा होता है वो ये HD वाले ज़्यादा खाते हैं। वहीं पे दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे टीवी चैनल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे टोटल टीवी चैनल दोस्तों प्ले होते हैं, आप देख सकते हैं इन सभी टीवी चैनलों को आप प्ले करके देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पे इन सभी टीवी चैनलों को नहीं चला पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे टीवी चैनल हैं जो कि दोस्तों चल रहे हैं और मैंने हटा दिया। और ये देखिए ETV सिनेमा, इसका एक लुक अगर देखिए दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप लोग चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज का, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, उसके मलयालम, जो भी लैंग्वेज का आप चैनल देखना चाहें वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। हिंदी वाले जो भी देखना चाहें वो सब देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो भी टीवी चैनल आप देखना चाहें, बंगला और सारे के सारे टीवी चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों हिंदी वाले चैनल भी हैं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो ये देखिए ये सब टीवी चैनल आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सेटअप बॉक्स है। अगर आपको इस सेटअप बॉक्स को परचेज करना है, ये देखिए GTV, G Action आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, G Kannada आपको देखने को मिल जाता है, G Bangla देखने को मिल जाता है, Sonya देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप जो चैनल आप यहाँ पे चलाना चाहें, देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आपका नेटवर्क स्पीड हाई होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, तभी आपके पास ये टीवी चैनल चलेंगे। दोस्तों ये पूरे के पूरे HD चैनल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो चैनल चलेगा। दोस्तों यहाँ पे डिस्कवरी वाले चैनलों पे थोड़ा सा क्लिक करके देख लें दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि नेटवर्क इशू की वजह से हमारे पास बंद दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए डिस्कवरी का साइंस चल रहा है। तो दोस्तों अब आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको ये सेटअप बॉक्स चाहिए ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर फ्लैश भी हो रहा है। अब दोस्तों दूसरी बात ये कि दोस्तों बहुत सारे लोग सेटअप बॉक्स तो खरीद तो लेते हैं लेकिन चलाने का तरीका नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों हमारी इसी वीडियो को देख लीजिएगा, सेव कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि याद रहे कि यही वीडियो है। शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप पे भी ये वीडियो पड़ी रहेगी। ये देख सकते हैं दोस्तों सभी के सभी टीवी चैनल हमारे पास चल रहे हैं। जो भी टीवी चैनल आप यहाँ पे चलाएंगे वो सारे के सारे टीवी चैनल यहाँ पे चलेंगे। टोटल स्कैम्बल चैनल, पेड टीवी चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं चिंगारी सेटअप बॉक्स में। अब दोस्तों आप हमें जल्दी से व्हाट्सएप करें, नहीं तो स्टॉक खत्म होने के बाद दोस्तों आपको ये बॉक्स नहीं मिल पाएगा।